बात बिहार की करेंगे। हत्या के एक मामले ने बिहार के सिस्टम से लेकर सियासत तक में हलचल मचा दी है। हत्या हुई है बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की। मुकेश सहनी निषाद समुदाय की नुमाइंदगी करते हैं और बिहार में आरजेडी की अगुवाई वाली महागठबंधन का हिस्सा है। उनके पिता की हत्या को लेकर विपक्ष जेडीयू और बीजेपी पर हमलावर है। बिहार में लालू के शासन को याद करने के लिए एनडीए के नेता जिस जंगल राज का जिक्र करते हैं, जंगल राज का वही जिन बिहार में एक बार फिर बोतल से बाहर दिखाई दे रहा है। दीवार के पार से क्राइम सीन में झांकते एसडीपीओ हूं, नीली कमीज वाले कलेक्टर साहब हूं या राज्य से लेकर केंद्र तक के मंत्री हों, सबकी जुबान एक ही बात दोहरा रही है, अपराधी बचेंगे नहीं। नीतीश कुमार जी के रहते हुए अपराधी पकड़ा जाएगा, उसे किसी हाल में बख्शा नहीं, अपराधी बच नहीं पाएगा। बिहार में हत्या के किसी मामले ने हाल के दिनों में शायद ही ऐसी हलचल मचाई हो, लेकिन कत्ल बिहार के पूर्व मंत्री और निषाद समुदाय के प्रभावशाली नेता वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का हुआ है। जीतन सहनी बेटों से दूर दरभंगा में अकेले रहते थे। सुबह पता चला कि धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई। खबर मिली तो मुकेश सहनी मुंबई से बिहार पहुंचे। नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लाल प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जीतन सहनी की हत्या की जांच इससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। पुलिस कह रही है कि मामले की गुत्थी बहुत जल्द सुलझा ली जाएगी। मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराध कर्मी को गिरफ्तार करेंगे। दरभंगा में हुए मर्डर का ये मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए पहले ऊपर से नीचे तक सरकारी सिस्टम एक्टिव हुआ, फिर विपक्ष सक्रिय दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुकेश सहनी को इंसाफ दिलाने की मांग उठा दी। उन्होंने लिखा, हम मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमारे इंडिया गठबंधन के साथ ही सहनी जी को न्याय मिले। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का बोलना था कि बिहार में जंगल राज वाला जिन कूद कर बोतल से बाहर आ गया। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, ये महाजंगल राज अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। कल्पना करते हैं राम राज्य का, नीतीश जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और हत्या एकदम आम बात हो गई है और फिर भी लोग एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए। ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूँ। सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं पकड़ने का संकल्पित है। अपराधी बेशक पकड़ लिए जाएं, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पकड़ छूटती दिखाई दे रही। विपक्ष यही इल्जाम लगा रहा है कि न सिर्फ त्वरित कार्रवाई हो बल्कि बिहार की सरकार एक्नॉलेज करे हम असफल हुए हैं और उनको ये कहना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमसे नहीं हो पा रहा, आई क्विट। ये अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, माफियाओं का मनोबल बढ़ा है और नीतीश कुमार जी का इकबाल जो था चौथे बार में वो देखने को नहीं मिल रहा। इसमें शासन प्रशासन कोई और चला रहा है, नीतीश कुमार जी तक बातें नहीं पहुँच रही। लालू के राज पर जंगल राज का ठप्पा भले ही पटना हाई कोर्ट ने लगाया था, 1997 से आरजेडी पर चिपके इस लेबल का सबसे ज्यादा प्रचार बीजेपी और उसके साथियों ने किया, लेकिन आज एनडीए खुद कटघरे में है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।